अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी वीडियो लेकिन कंपेयरिंग वीडियो है ये, और वो है बेस के ऊपर। मेकअप के अंदर बेस कितनी इम्पॉर्टेंट होती है वो दिखाने के लिए, फेस की बेस हो या आई शेड्स की बेस हो, दोनों को मैंने कंपेयर किया है दो वीडियोस में, तो वो आप देखेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको समझ आएगी कि बेस लगाना क्यों ज़रूरी होता है। अल्लाह हाफिज़। सो ये जो चेहरा है ये विदाउट बेस के है, बेस मैंने बिल्कुल नहीं लगाई। बेस आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, मैंने आपको समझाया कि बेस जो है वो आपके फाउंडेशन को लंबे अरसे तक रखती है। तो मैंने एक दिखाने के लिए कि एक मेकअप बेस के साथ किस तरह लगता है और एक बगैर बेस के कैसे होता है, तो ये सुबह मैंने हर वो स्टेप किया जो मैं करती हूँ मेकअप में, लेकिन जो सबसे पहला स्टेप होता है बेस का वो मैंने नहीं किया और उसके बाद बाकी मेकअप किया। और आँखों के मेकअप में भी मैंने बेस नहीं लगाई और बगैर बेस के मैंने अपने आई शेड्स लगाए हैं, आई लाइनर लगाया है। तो सुबह मैंने तकरीबन 8 बजे मेकअप किया था और अब 8 बज रहे हैं, तकरीबन 12 घंटे हो गए हैं। लेकिन गर्मी है तो जहाँ आप लोग रहते हैं अगर गर्मी है तो वो आप लोग फौरन ही देखना, आप देख लेंगे कि किस तरह मेकअप जो है हर जगह से हटना शुरू हो जाएगा, धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे। वो मैं अभी आपको करीब करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी अब गर्मी आजकल चल रही है तो मैंने भी तकरीबन 3 घंटे में ही मेरा मेकअप जो है, जैसी गर्मी का लेवल बढ़ना शुरू हुआ मेरा मेकअप अपने अंजाम को पहुँच गया। तो मैं आपको करीब से अब दिखाती हूँ ताकि आप ये बगैर बेस के फ़र्क देखें और फिर दूसरी वीडियो में आप देखें कि बेस के साथ क्या फ़र्क लगता है। तो पहले सबसे पहले आप देखें आई शेड तकरीबन ना होने के बराबर रह गए, सब पिघल चुके हैं। और आईलाइनर जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ और सबसे ज़्यादा बुरी लगती है वो ये आईलाइनर इस तरह छप जाता है यहाँ पे और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कैमरे में शायद थोड़ा बहुत बेहतर लग रहा हो, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये ऐसी बोल रही है, लेकिन देखें आप करीब से देखेंगे और दिन की रोशनी में या जहां बाहर आप जाएंगे वहां की लाइट्स में तो फौरन ही ये चीज़ नजर आएगी। और अब मैं आपको फाउंडेशन दिखाती हूँ करीब से। ये देखें ये फाउंडेशन है और साथ ही मेरी स्किन नज़र आ रही है और यहाँ पे भी अपर लिप्स के ऊपर भी यही हाल है, धब्बे से हैं, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक पाउडर सा मुंह पे लगा के कुछ जगह लगा के कुछ जगह ना लगा के छोड़ दिया। और यहाँ पे भी आपको पता चल रहा होगा, शायद कैमरे की लाइट में इतना ज़्यादा पता ना चले लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से समझ में आपको आ रही है। कुछ जगह पे अभी भी थोड़ा सा सेट बैठा हुआ है क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है जितनी पाकिस्तान इंडिया में होती है। तो आप सोचें कि आप बगैर बेस के अपना मेकअप करें और वो गर्मी में आप किस तरह पिघलेगा और किस तरह आपका चेहरा बहुत बुरा लगेगा। तो और ये इस वीडियो में मैंने अपना मेकअप किया है, इसमें मैंने बेस लगाई है फाउंडेशन से पहले और आई शेड लगाने से पहले भी मैंने आई शेड बेस जो होती है जो इसको फिक्स रखती है वो लगाई है। तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, इसमें बिल्कुल भी मेरा फाउंडेशन अपनी जगह से हिला नहीं है। लिपस्टिक जो है वो थोड़ी बहुत हिली है क्योंकि सारा दिन गुजर चुका है और खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी अपनी जगह से हिली है, वरना हर चीज़ अपनी जगह पे है। अब मैं आपको आँखों का मेकअप भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा आईलाइनर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला और आई शेड्स भी जो हैं वो अपनी जगह पे ही हैं, वो भी हिले नहीं हैं ना ही फैलना शुरू हुए हैं। तो ये डिफरेंस है बेस और विदाउट बेस मेकअप का। जो मेकअप मैंने किया था वो तकरीबन वो वाला भी विदाउट बेस वाला भी 8 घंटे के ऊपर ही था और ये भी 8 घंटे के ऊपर ही मैंने रख के रिजल्ट देखा है।